भारत कई संस्कृतियों से मिलकर बना एक समृद्ध देश, संस्कृतियों की विविधताओं और परंपराओं के विस्तार से भरे हिंदुस्तान की ख्याति पूरी दुनिया में है। देश के कई इलाकों में प्राचीन परंपराएं आज भी देखने को मिलती हैं। इन परंपराओं में से एक हिमाचल की परंपरा है, जो भले ही धार्मिक धरोहर से जुड़ी है, लेकिन ये रिवाज हर किसी को अचंभित कर देने वाली है। एक ऐसा रिवाज जहां महिलाएं 5 दिन बगैर कपड़ों के रहती हैं और 5 दिनों तक परंपराओं की पूर्ति के लिए पूरा गांव एक हो जाता है। भारत की सुंदरता को दर्शाता हिमाचल प्रदेश, जहां के पीड़ी गांव में एक अजीबोगरीब परंपरा आज भी चली आ रही है, जहां हर साल सावन का महीना आते ही इस परंपरा की शुरुआत हो जाती है और 5 दिनों तक गाँव की हर महिला बिना कपड़ों के रहती है। इस अनूठी संस्कृति को संजोने के उद्देश्य से गांव की सभी शादीशुदा महिलाएं 5 दिनों तक निर्वस्त्र रहती हैं। मान्यता है कि अगर ऐसा ना किया गया तो स्थानीय देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसे में स्थानीय देवता की नाराजगी किसी बड़ी मुसीबत की आहट मानी जाती है। इस प्रथा के दौरान ना ही उन औरतों को कोई देख सकता है और ना ही वो औरतें किसी को देख सकती हैं। 5 दिन तक ये औरतें बाहरी दुनिया से दूर रहती हैं और घर के किवाड़ों के पीछे बंद रहती हैं। यहाँ तक कि इस दौरान उनके पति को भी उनसे मिलने और बात करने की अनुमति नहीं होती। ये प्रथा ना केवल औरतों के लिए है, बल्कि पुरुषों के लिए भी एक रिवाज है कि अगर महिलाएं कपड़े नहीं पहनेंगी तो पुरुषों को भी शराब पीने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही गाँव का कोई भी पुरुष इस दौरान मांस का सेवन नहीं करता है। ये पूरा त्योहार गांव वालों की आस्था से जुड़ा हुआ है, पर सवाल ये पैदा होता है कि इस अजीब प्रथा को मनाने का कारण क्या है, क्यों लोग इसे मनाते हैं। ये कहानी जुड़ी है राक्षस की एक कहानी से। कहते हैं कि बहुत समय पहले गांव में राक्षसों ने तबाही मचा दी थी और उस वक्त राक्षस गांव के अंदर आते थे और सुंदर कपड़े पहनने वाली महिला को उठा कर ले जाते थे। तब गांव वालों ने लाहुआ घोंट देवता की शरण ली। ये देवता पीड़ी गांव आए और गांव वालों को राक्षसों के आतंक से बचाया। तभी से महिलाओं के कपड़े ना पहनने की प्रथा चली आ रही है, जिसे ना चाहकर भी लोगों को निभाना पड़ता है। पर समय के साथ साथ प्रथा में बदलाव जरूर आया है। अब महिलाएं 5 दिन तक कपड़े नहीं बदलती, लेकिन पट्टू नामक एक पतला कपड़ा धारण कर लेती है। इसे उन्हें पूरे 5 दिन पहनना होता है और देवता की पूजा करनी होती है और इस तरह भद्रव संक्रांति के महीने को काला महीना कहा गया है और तब से इस गांव में परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे आज भी वहां के लोग इन प्रथाओं को निभा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।